मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में भाजपा का संकल्प मोदी जी की गारंटी 2024 का विमोचन कर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में भाजपा का संकल्प मोदी जी की गारंटी 2024 का विमोचन कर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक हेमंत खंडेलवाल एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, अगले 5 साल की मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। 10 साल के संकल्प गारंटी के साथ पूरे किए लोगों के सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार हुआ। मध्य प्रदेश में 1100 स्थान पर सुझाव लगाई गई थी। 26,000 सुझाव मध्य प्रदेश के लोगों ने दिए। पूरा संकल्प पत्र गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए समर्पित किया है। बीजेपी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित संकल्प पत्र। 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान में 5 लाख तक का कर, ये मध्य प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सुझाव दिया था। 3 करोड़ गरीबों को आवास, CAA कानून को लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के संकल्प को पूरा करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में देश को सूर्य घर योजना से आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक देश एक चुनाव, फसलों में MSP, वंदे भारत ट्रेन, ई श्रम योजना, सूर्य किरण योजना, 3 करोड़ नए आवास जैसी कई महत्वपूर्ण काम करने का संकल्प लिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, संकल्प पत्र विकसित भारत के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया है। वीडी, संकल्प पत्र को 2047 के विकसित भारत के लिहाज से बनाया गया है। नमो ऐप और लोगों के बीच सुझाव पेटी से मिले सुझावों से बना है। MP में 1100 जगहों पर लगाई पेटियों से 26,000 सुझाव मिले थे। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सुझाव भी संकल्प पत्र में जोड़े गए हैं। मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, लेकिन पार्टी ने इसका नाम बदलकर संकल्प पत्र किया है। संकल्प पत्र वो होता है जो पूरा किया जाए। MP सरकार भी मोदी जी के संकल्प पूरा करेगी। शिवराज सिंह जी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार ने भी सभी संकल्प पूरे किए हैं। हम भी इन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। CM डॉक्टर मोहन यादव का बयान, मोदी जी ने 10 साल में सरकार के जरिए देश का विश्वास जीता। आमतौर पर पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन मोदी जी ने संकल्प पत्र नाम दिया। मोदी जी की गारंटी, पूरी होने की गारंटी। 10 साल में जिस काम को MP सरकार को मिले हैं, उन्हें प्रदेश में पूर्व के CM शिवराज सिंह जी के समय काफी हद तक काम हुए हैं। अब हम भी उन कामों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। PM आवास ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जान फूकी। टूरिज्म और हेरिटेज को भी MP में बढ़ावा मिला। बाबा महाकाल के महालोक के बाद धार्मिक पर्यटन में भी MP ने छलांग लगाई है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टूरिज्म की खूब संभावना है। संकल्प पत्र में हमने टूरिज्म को बढ़ाने का संकल्प लिया है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने से भी डेवलपमेंट और रोजगार बढ़ेंगे। जो कल दिल्ली में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विमोचित किया है, तो आज मध्य प्रदेश की इकाई लोकसभा के आम चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसका विमोचन का अवसर है। इस अवसर पर मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत करता हूं। आपको नवदुर्गे के पावन पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं। ये जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र लोकसभा चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को विकसित भारत के लिए अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस संकल्प पत्र को दिल्ली के अंदर कल जारी किया है। और इस संकल्प पत्र में आप सबने देखा होगा कि ये संकल्प पत्र पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने पहले संकल्प लिए थे उनको गारंटी के साथ जो पूरा किया, तो ये आज आगामी आने वाले 5 वर्षों के लिए ये जो संकल्प पत्र है, ये मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। और पिछले 10 वर्षों में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षण भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में जो काम किया है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से आगामी 2047 का विकसित भारत बनेगा, उसके इर्द गिर्द इस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्रित किया है। संकल्प पत्र के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया था। सुझाव संकलन के लिए हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी मीडिया के मित्रों के सामने उसको प्रेषित किया था कि किस प्रकार से सुझाव पेटियां पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने जैसे रखी थी 1100 स्थानों पर, और नमो ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन सुझाव लोगों से लिए थे। देश के अंदर कार्यकर्ताओं के प्रयासों से और देशवासियों के सहयोग के आधार पर लगभग 15 लाख सुझाव पूरे देश के अंदर इस संकल्प पत्र के लिए मिले। इनमें से 4 लाख सुझाव नमो ऐप पर के माध्यम से और शेष सुझाव वीडियो बैन और सुझाव पेटियों के माध्यम से प्राप्त हुए, जिसमें मध्य प्रदेश में 1100 स्थानों पर हमने जो पेटियां लगाई उनमें से 26,000 सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर हमें मिले थे। मैं संकल्प पत्र कमेटी के जो मध्यप्रदेश की बनी थी उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सौभाग्य कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान उसके सम्मानित सदस्य थे, और दोनों के प्रयासों से मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सुझाव भी आज इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित उनको किया गया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से मोदी जी की गारंटी और अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए इस संकल्प पत्र के अंदर जो विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की सिद्धि में संलग्न है, और आज इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ये कहा कि मेरी देश के अंदर 4 जातियां हैं, उसमें उन्होंने कहा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। पूरा संकल्प पत्र इनके विकास के प्रति संकल्पित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये संकल्प पत्र आगामी समय में 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही ये संकल्प पत्र केंद्रित होगा। इसलिए इस दिशा में इस संकल्प पत्र में जो ऐसी कुछ बातों का उल्लेख कर रहा हूं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके सामने जो हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार की भूमिका और जो देश के अंदर विकास, इस पर एक नए रोडमैप के साथ हमारी सरकारों ने 10 वर्ष में जो काम किया है, और आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आज इस भूमिका में काम कर रही है कि 10 बड़े काम जो इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इसमें ये सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल से शुरू किया था, इसको समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने के लिए पहले दिन से प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो आज फिर 3 करोड़ नए घर देने का संकल्प। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक जो की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे संकल्प पत्र के अंदर लिया है। सीए कानून को लागू करने की बात जो देश के अंदर हुआ है उसे हम सब जगह पर लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसके बारे में इस बार के इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया, अपने शामिल किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करोड़ों लोगों को सोलर पैनल के जरिए मुफ्त बिजली देंगे, यानी आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बनाना, उसका अल्टरनेट क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ कि हम इस दिशा में इस कदम को उठाएंगे सूर्य घर योजना के तहत। फसलों में MSP और किसान सम्मान निधि फिर जारी रखेंगे, इसके बारे में उल्लेख किया है। बुलेट ट्रेन के विस्तार वगैरह की बात लगातार हुई है, और आज भारत पर दुनिया का जो भरोसा मजबूत हुआ है, भारत का आज का भारत मानवता की प्रबल पक्षधर शक्ति के रूप में उभरा है, इसलिए
विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित हुई है। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में गौरव की अनुभूति का संचार हुआ है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 साल के अपने कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं उनमें आज जो अमिट माननीय मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई और हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है इसमें वो कहते गारंटी की भी गारंटी है। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा, गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर मन में अंदर तक इस शब्द की महत्ता छुपी हो। मैं समझ सकता हूँ आज के अवसर पर यशस्वी अध्यक्ष जी ने सारी बातें हमारे बीच कह दी, लेकिन ये भी बात सही है कि संघीय पद्धति में राज्यों की अपनी रचनाओं के आधार पर विकास के आयाम के लिए हमारे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का विकास का अपना रोडमैप बनाना पड़ता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे मध्यप्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, उसमें काफ़ी हद तक काम किया है। और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें पढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। इसी आधार पर हमने राज्य का भी संकल्प पत्र लेकर के बात की थी और जो अब नया संकल्प पत्र बना है क्रमशः दिन दिन जितने अच्छे ढंग से बात की है। मैं मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखकर बोलना चाहूँगा तो जो कहा गया था कि हर गरीब को मकान मिले चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें 4 करोड़ लोगों को अगर मकान देने का प्रयास किया है, तो मैं आपको कुछ जिले के उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ प्रधानमंत्री आवास के नाम से सबसे ज़्यादा मकान शहरी क्षेत्र में अगर दिए गए तो एकाध जिला तो मेरा भी आता है जो अगर जिले से मैं आता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा मकान दिए गए। अकेले उज्जैन के अंदर 7,000 से ज़्यादा मकान शहरी आवास के। एक तरह से हमारे यहाँ मीलों की नगरी थी, मीलों की नगरी होने के कारण से आबादी तो बड़ी थी लेकिन मील मतलब होगा 20-20, 30-30 साल पहले तो मीलों के आधार पर कई सारे लोगों को मकान की दरकार थी। तो प्रधानमंत्री आवास ने एक तरह से नया जीवन फूका सभी के लिए, ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्र में बराबरी से। जिस प्रकार से मैंने आवास का बताने का प्रयास किया उसी प्रकार से हमारे अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। मैं टूरिज्म में भी काम कर चुका हूँ पहले और पर्यटन को लेकर मध्यप्रदेश की जो संभावना है चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है ही। हम तमाम जितनी बिल्डिंग है उनको उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्यप्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विजन है कि ये टूरिज्म कई कई देश दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे जिनकी पूरी वार्षिक वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती है, तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है इस संकल्प पत्र के माध्यम से, अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खुलेगी। जैसे आमतौर पर पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म ये एक नया रास्ता खुला है। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, तो मेडिकल की फैसिलिटी के आधार पर मेडिकल टूरिज्म से डेवलपमेंट करते हुए लोगों को रोजगार भी दें और जीवन भी बचाए। आपको ध्यान में होगा इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं
उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूंकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और उन पूरे प्रदेश ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करें इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं इस किसी केंद्र पर ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से लाभ देंगे। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में वो जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।